अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनाज रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? यहाँ पर बात करेंगे जनाब चाचा साहब की। जो चाचा हैं और जगत चाचा हैं वो, क्योंकि जब से वो सितारा के घर आए तो हर एक ही उन्हें चाचा कहने लगा, और चाचा 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 इतना हुआ कि हर तरफ चाचा चाचा हो गया। तो अभी दिलबर का व्लॉग आया है और दिलबर ने एक वार्निंग दिया है कि उन्हें रिएक्शन पे मजबूर ना किया जाए। अजीब ही है ये ख़ानदान और गरीबी है ये ख़ानदान। गरीब तो खैर अब नहीं है, माशा अल्लाह से सब अपनी एक अच्छी खाती पीती हैसियत में है अल्लाह के करम से। और जो सोशल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर इनकी जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ हुई हैं माशा अल्लाह। तो गरीब तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि गरीब इनमें से कोई भी नहीं है, सब माशा अल्लाह से खा रहे कमा रहे हैं। तो ये जो चाचा चाचा हैं, ये जो चाचा चाचा हैं, ये जब आए थे यहाँ पाकिस्तान तो एक अलग ही पर्सनालिटी थे। मतलब जब आते थे तो इनके जो नैन थे वो बात बात पर छमाछम बरसते थे और मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता था, अफसोस होता था। मैं समझती थी पता नहीं ये बड़े साहब को कौन सा गम है, इनकी औलाद ने इनके साथ कौन सा मामला कर दिया है जो ये इतने दुखी हैं। और ये आते थे यहाँ पर, जब आए थे तो इतना रो रहे थे, मुझे पूछा नहीं जाता और मैं यूँ हूँ मैं वो हूँ, और हम मियाँ बीवी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता था, हम बेयारो मददगार लाचार वहाँ पड़े रहते थे। मतलब इस किस्म का इन्होंने मेलो ड्रामा यहाँ पर क्रिएट किया सिंपथी यहाँ पर लोगों के लिए। और उसके बाद जनाब ये जो है जगत चाचा बन गए, यानी हर कोई इनको चाचा चाचा कह के पुकारने लगा। और सितारा के रेफरेंस से इनको भी इज्जत मिलने लगी। जहाँ इन्हें सितारा के रेफरेंस से इज्जत मिली, वहीं पर जो अदर साइड थी उसने, क्योंकि ये सितारा के साथ थे, इस वक्त ये सितारा के चाचू और सितारा की मॉम थे, तो इतना बुरा बोला गया, इतना बुरा बोला गया इन लोगों को। और ये जो चाचा हैं इनके भी यहाँ पर कच्चे चिट्ठे अदर साइड से खोलने की कोशिश की गई, मगर उस वक्त जो है किसी ने भी यहाँ पर आकर अपील नहीं की, किसी औलाद ने आकर यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं की कि अब्बा जो है वो इस एज में है, मत परेशान करो, इस तरह करोगे तो अम्मा का घर तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इस तरह का यहाँ पर कोई सीन यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ और ये हम सब ने देखा। अब क्या है जनाब, ये जब चाचा गए हैं और यहाँ से जब बोल के गए थे कि मैं वहाँ जाऊँगा और बिल्कुल अकेला होऊंगा, मेरे इर्द गिर्द मक्खी होगी ना मच्छर होगा, बस मैं होऊंगा और मैं होऊंगा और मैं होऊंगा, तो मैं आप लोगों को ज़्यारतें दिखाऊंगा, तो मेरे चैनल को आप लोग करना सब्सक्राइब, यहाँ से शाउट आउट और सब्सक्राइबर्स माशा अल्लाह ये लेके गए, तो बन गए ये व्लॉगर और बहुत बड़े यूट्यूबर, चाचा ट्यूबर कह रही हूँ, चाचा यूट्यूबर। तो अब क्या है, जो दिलबर हैं उनकी एक बॉन्डिंग है यहाँ जो रईस अनवर चाचू हैं उनके साथ, और जो रईस अनवर चाचू हैं वो यहाँ बैठकर इस फैमिली को सही टिकाकर क्या बोलते हैं उसे जवाब देते हैं, और इनकी जो भी बात आती है वो अपने तई उसे पूरा करने की, मतलब बराबर से हक अदा करने की कोशिश करते हैं। और उनका कहना है कि वो किसी से नहीं डरते, और उनका जाहिर बात है एक अलग मामला है। तो ये जो चाचा चाचा हैं इनके हवाले से भी जो रईस अनवर चाचू हैं उन्होंने बताया था किस तरह इन्होंने इनका जो भी था जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाया और फिर वो कैद में रहे, और फिर किस तरह जो सितारा के रियल फादर थे उस टाइम हयात थे, और जो ये दिलबर बाबर के अब्बा ससुर थे इन्होंने इनको वहाँ से निकाला और अपनी एक उन्होंने लाइफ स्टोरी शेयर की। अब क्या है, ये जो चाचा चाचा हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इनका ये तरीक़ा वारदात है कि खुद जो है ना ये बहुत इनोसेंट बनके अपने बुढ़ापे का और अपने जो एक जिस जगह पर ये हैं दो चीज़ों को ये कैश कराते हैं, और इतने मासूम बन के आ जाते हैं कि मैंने सबको माफ़ किया, और अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया मैंने उसको माफ़ किया, मुझे तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ सुनता ही नहीं हूँ, और हम तो बस अल्लाह अल्लाह करते हैं, और हम तो बस बुढ़ापे की शादी में हैं और हमें तो बस सुकून चाहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना, मतलब ये वाला एटीट्यूड है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा ये क्या करते हैं, जैसे हमने देखा इन्होंने एक यूट्यूबर ने कहा कि वो उनको कॉल्स भी कर रहे हैं और वक्त बे वक्त कॉल कर रहे हैं कि फ़ोन उठाओ, जिस पर उन्होंने इनको रिप्लाई भी दिया कि आपको समझ नहीं आती कि इस टाइम किसी को कॉल नहीं करते। दूसरी जानिब अब दिलबर उठ कर आए और दिलबर ने कहा कि ये मोहतरम ये कर रहे हैं कि जो दिलबर के इन लॉज हैं, जाहिर सी बात है जो फातमा सुमेरा हैं उनके अब्बा अम्मा वहाँ हैं, यानी जो चाचा चाची हैं छोटे वाले, तो वो भी वहाँ पर हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये फैमिली ये करती है कि सामने से तो आकर बिल्कुल बे यारो मददगार खुद को शो
करते हैं और बस ऐसे कहते हैं कि इन्होंने अपने तमाम तर मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं, लेकिन पीछे से बैक स्टेज जाकर ये लोग इसी तरह की कॉन्स्पिरसीज करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो दिलबर बाबर के ससुर हैं उनको जाकर वो पोक करते हैं या उकसाते हैं और कहते हैं भाई देख लो तुम्हारे दामाद ये काम कर रहे हैं। और जिस तरह दिलबर ने वीडियो बनाई उसका ये कहना है कि ये जाकर वहाँ उकसाते हैं कि दिलबर चाचू अनवर को उकसाता है कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाए। और दिलबर ने ये भी कहा कि किस तरह ये चीज़ें उन तक पहुँचती हैं ये भी उसे पता है, ये हमें भी पता है, हमें भी अंदाज़ा है, लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ जो ये चाचू हैं अपनी बेटियों को मना नहीं करते, ये चाचू के कंट्रोल में इनके बेटे नहीं हैं और ये चाहते हैं कि ये जाकर जो दूसरे इंसान है यहाँ सबको अपने काबू में कर लें और सबको अपनी उंगलियों पर नचाएं। तो ये कैसा एक इनका एक चेहरा कह लें या एक इनकी रियलिटी है वो दुनिया के सामने आ रही है और वक्त बहुत कुछ सामने लेकर आता है। तो यही सारे मामलात इन चाचू साहब के साथ भी हैं। तो दिलबर ने कहा कि मजबूर मत करो, मजबूर मत करो कि मैं रिएक्शन दूँ। रिएक्शन मतलब इनका रिएक्शन यही होता है इन लोगों का कि ये एक दूसरे की जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना HR हिडन राज वो लाकर दुनिया के सामने रख देते हैं। और फिर इनका जो PM है तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी रिएक्शन की सूरत में। तो एक तरह से जो दिलबर है इन्होंने इनको वार्निंग दी है कि आप बाज आ जाएं और दिलबर बाबर का घर ख़राब करने की कोशिश ना करें, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और दिलबर ने जो एक इंडिकेशन दिया है वो ये है कि जो दिलबर की एक्स हैं वो भी काफ़ी परेशान रहती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता जब आप लोग अपनी अपनी अलग ज़िंदगी में चले गए हैं, उनकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई, तो आप लोगों को परेशानी क्या है? आप जिनसे डाइवोर्स ले चुके हैं वो जिस भी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, आप लोगों को मसला क्या है? तो ये जो मसला है ना ये दिलबर की एक्स की तरफ से भी है और उनकी भी कुछ वीडियोस आई थी। तो ये चाचा साहब मेरे ख्याल में इनसे दिलबर का जो घर है और इसकी जो खुशी और सुकून है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो अब चले हैं दिलबर का घर बर्बाद करने। और मुझे लगता है दिलबर ये उन्हें नहीं देगा और इनको टिका कर जवाब देगा। तो इसी तरह की कुछ वीडियोज़ यहाँ सामने आई हैं, देखते हैं जनाब इस ख़ानदान की कहानी कहाँ तक चलती है और कहाँ तक चीज़ों पर बैन लगता है। इसी के साथ कहेंगे अल्लाह हाफिज़।